राजपूत समाज एकजुट होकर आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हमें हमारा एक हक मिलना चाहिए। राजपूत समाजजनों को तय करना है कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो या बुरा। जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण का हक हमें नहीं मिलेगा, तब तक एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उक्त बात ग्राम खड़ीगारा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश मंत्री शैलेन्द्र सिंह झाला के ने कही। उन्होंने कहा, राजपूत समाजजन वर्तमान समय में एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद भी अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हम आरक्षण को 9वीं सूची में डालने वाले नेताओं का पुरजोर विरोध करेंगे। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर थे। आयोजन से पूर्व भव्य महारैली निकाली गई। इसके पश्चात महाराणा प्रताप के चित्र पर मालार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक खंडीगारा में रखी गई थी, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए देश भर के सांसद और विधायक जो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना चाहते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण किसी भी परिस्थिति में 9वीं अनुसूची में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका आधार आर्थिक होना चाहिए, ताकि हर जाति और वर्ग विशेष के जो गरीब लोग हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। साथ ही अभी मध्य प्रदेश में शिक्षक जो भर्ती हुई है उसमें EWS 10% आरक्षण है, उसमें सरकार की गलत नीतियों के कारण सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों की ये मांग है कि कट ऑफ मार्क्स उनका भी OBC के बराबर हो, 85 जो है, ताकि सामान्य वर्ग के लोग भी 10% आरक्षण का लाभ ले सके। सामान्यतः देखा जाता है कि कर्णी सेना सामाजिक कार्यों में अग्रणी होकर कार्य करती है, लेकिन अभी अभी एक सूचना मिली है कि इंदौर के जो जिला अध्यक्ष है उन पर असामाजिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है पुलिस का, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्णी सेना जब भी कोई मूवमेंट चालू करती है तो सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई रहती है, तो हमारे जो भी पदाधिकारी लोग रहते हैं, भले प्रदेश अध्यक्ष हो जिलाध्यक्ष हो, उनके ऊपर कार्रवाई करके डराने की कोशिश करती है। लेकिन कर्णी सेना किसी से डरने वालों में से नहीं है। पहले हमारे पास सामाजिक मुद्दे थे, अब हम किसानों का मुद्दा भी उठाएंगे, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी उठाएंगे, पुलिस वालों का मुद्दा भी उठाएंगे, जितने भी मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियाँ जिन मुद्दों पर चुप है सारे मुद्दे उठाएंगे। और आने वाले उपचुनाव के पहले सरकार अगर इन पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग उपचुनाव में इनको अपनी ताकत दिखाएंगे।